अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज बारह सैटरडे और आज आपको पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर की मंजर आपको पहले दिखाएंगे, फिर आपको लेके आएंगे दरगाह शरीफ की बाहर, बाहर का भी मंजर आपको दिखाएंगे। जो आज शनिचर का दिन यानी सैटरडे के दिन कितना पब्लिक दरगाह शरीफ के बाहर भी है, कैसे माहौल है, तो चलिए कैमरा घुमाते और सीधा लेके चलते आपको दरगाह शरीफ के अंदर। बना रही आप लोग वीडियो पूरा देखिए जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आशी का नेकफाजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज आप लोग पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। आज दिन है सैटरडे यानी शनिचर है और अभी सुबह 8 बज रहा है। तो आज पहले आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह पहले अंदर की मंजर दिखाएंगे, फिर आपको बाहर ले चलेंगे, बाहर का भी मंजर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बना रहिए वीडियो पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए और आज सैटरडे का दिन कितना पब्लिक दरगाह शरीफ के अंदर है, बाहर है, वो भी आप हमारे वीडियो के ज़रिए से देख लीजिए। तो माशाल्लाह ये बाबा के गुंबद में दिखा रहा हूँ, शाहजहानी मस्जिद से आप लोग देख सकते हैं। दुआएं मांग लीजिए और आइए देख लीजिए शाहजहानी मस्जिद के अंदर की मंजर क्या है इस वक्त। अभी सुबह 8:15 है, तो अभी इस वक्त शाहजहानी मस्जिद में कितना पब्लिक है, कैसे यहाँ के माहौल है आप लोग देख सकते हो। और आज का मौसम भी बढ़िया है, हल्का हल्का आसमान में बादल है। आज 2-3 दिन से बादल बना रहा है बारिश के लिए, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, मगर मौसम बहुत अच्छा है और धीरे धीरे बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है अजमेर से, क्योंकि सितंबर के बाद बिल्कुल बारिश का मौसम, बरसात के मौसम ख़त्म हो जाता है अजमेर शरीफ से। तो आइए आप ये देखिए बाहर से आने जाने का 10 नंबर गेट, इधर ये 10 नंबर गेट के मंजर आप लोग देख सकते हो जी, ये देखिए। और आइए अभी आपको आमदन का दरबार शरीफ और बाबा फरशे को चला शरीफ भी ज़ियारत कर रहे थे, फिर आगे चलेंगे। आइए सुबहान अल्लाह, ये देखिए अम्माजन के दरबार शरीफ यानी हुजूर गरीब नवाज़ की बीबी साहिबा का दरगाह, इधर से मशक ढाला जाता है। देखिए यहाँ के मंजर कैसे, किस तरह लोग मशक ढल रहा है, इधर से दुआएं मांग रहा है, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए किस तरह मशक ढल रहा है और ये मशक जो है आने वाला जारिन तवारुक रूपी पीते ला इलाज बीमारी का इलाज होता है इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह आज का माहौल कैसा है यहाँ के देख लीजिए। और ये देखिए बाबा फरीशा को चिल्ला शरीफ, जो अम्माजन का दरबार शरीफ है बाबा फरीशा को चिल्ला शरीफ में आसपास में है, संदली मस्जिद के पीछे का साइड में है। तो आप लोग ज़ियारत कीजिए आगे, दुआएं मांग लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी आपको सीधा ले चलते शाहजहानी मस्जिद से बाहर ले चलेंगे आस्था से कुछ 4 नंबर गेट के सामने जी। ये देखिए माशाल्लाह, तो आइए ये देखिए आस्था से कुछ 4 नंबर गेट ज़ियारत करके बाहर आने का गेट, आप लोग ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। ये देखिए आसपास के मंजर आप लोग देख लीजिए, आज कितना पब्लिक दरगाह शरीफ के अंदर है। आइए ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, आप लोग ज़ियारत कीजिए, इस तरह जारिन ज़ियारत कर रहे हैं, देख लीजिए आप भी ज़ियारत कीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, आइए आप ये देख लीजिए आस्था से 3 नंबर गेट, इस गेट को आप लोग ज़ियारत कीजिए और यहाँ के मंजर भी आप लोग देख लीजिए, आज यहाँ पर भी खाली है। और ये देखिए पाइथी में कवाली चल रहा है, आज नहीं पाइथी में भीड़ कम है, कवाली चल रहा है लेकिन यहाँ पर कवाली सुनने वाला जायरीन कम देख रहा है। रोज़ का दर आज भी कावली चल रहा है लेकिन ऐसे यहाँ पर जैन कम है। आइए अभी आप, आइए अभी आप आस्था से, आइए पहले पायथी से आस्था से ज़ियारत कीजिए, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। ये ज़ियारत कीजिए आप पायथी से आस्था से, यहाँ पर कदम मुसी करते हैं आप लोग, आज यहाँ के मंजर भी देखिए और इधर से दुआ मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए। देखिए किस तरह जैन कदमोसी करके बाहर आ रहा है,
आगे चलते हैं। ये देखिए कव्वाली है, तो भाई लोग मुझे इशारा भी कर रहे हैं। ज़्यादा जारी नहीं है, दरगाह शरीफ का नजारिन काम देख रहा है, अभी देख सकते हैं आप लोग भीड़ कहाँ है। बिल्कुल कल जुम्मे का दिन बहुत भीड़ था, इंशाल्लाह पूरा क्राउड था, अभी आज क्राउड कम है। ये देखिए बाबा का गुम्बद पाक से ज़ियारत कीजिए। और आज जो सूरज है बदल से एक बार दब रहा है, एक बार खुल रहा है। माशाल्लाह अभी आतायनूर में आपको लेके आया हूँ, आतायनूर का मंजर आप लोग देख लीजिए। और आतायनूर अभी भी ओपन है, आज अभी तक ऊपर तिरपाल वगैरह लगाया ही नहीं है, देख सकते हो। ये देखिए आतायनूर का पूरा मंजर देखिए आप लोग, देख किस तरह दुआएं मांग रहा है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर भी कव्वाली चल रहा है, तो यहाँ के भी मंजर आप लोग देख लीजिए आज यहाँ पर कितना पब्लिक है, किस तरह लोग दुआएं मांग रहे हैं। तो ये आता है नूर से आप लोग आस्था शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। ये आम गेट है आस्था शरीफ के अंदर जाने का, इस गेट से आप लोग दुआ मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए आस्था शरीफ। आज ये गेट भी खाली है, इधर भी भीड़ नहीं है। तो ऐसे इस तरह तो माशाल्लाह ये देखिए आप लोग आज क्या मंजर है आता है नूर की, और किस तरह यहाँ पे लोग ज़ियारत कर रहा है। आगे जाके आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ जहरीन जो है थोड़ा गलतियाँ कर देते हैं, जो तो बिना टोपी में अंदर चला जाने की कोशिश करते हैं, और पीट करके फोटो खींचने की कोशिश करते हो, सब नहीं होना चाहिए इस तरह। ये देखिए चलिए फिर, चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ बहुत सारा जाइन है, अनजान है, उनको मालूम नहीं है, जब कोई पीछे करके फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी कर रहा था। चलो फिर आगे चलते हैं, आप लोग को आगे का भी मंजर आपको दिखाते हैं। आप देख लीजिए जो आज कहाँ पर कितने पब्लिक है, कैसे लोग ज़ियारत कर रहा है, दुआएं मांग रहा है। ये देखिए आते हैं उसे गुम्बद शरीफ देखिए, कोई ना चलिए बाहर चलते हैं। माशाल्लाह आज का मंजर कैसे है आप लोग देखिए, आज भीड़ कम है। ये देखिए संदली मस्जिद, इधर से पीछे की तरफ से भी ज़ियारत कीजिए आप लोग। और ये देखिए संदली मस्जिद, बुलंद दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है, दुआ में याद रखना भैया। ये देखिए वजू खाना की मंजर देख लीजिए आप लोग, आज वजू खाना में कितना पब्लिक है, यहाँ पर किस तरह लोग वजू बना रहे हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ये पूरा मंजर आप लोग देख लीजिए। ये बुलंद दरवाज़ा है, और पूरा यहाँ का मंजर आप लोग देख लीजिए। ये बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट, लंगर खाना गेट। चलिए फिर आगे चलते हैं।
ये देखिए आप बड़ी देख के ऊपर के मंजर देखिए आप लोग, और इधर देख लीजिए आप लोग छोटी देख के ऊपर की मंजर देखिए आप लोग। चलिए माशाल्लाह आज शनिचर का दिन है, हफ्ता के दिन है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए बाहर से आने जाने का दो नंबर गेट का मंजर आप लोग देख लीजिए, और इधर देख लीजिए आप लोग अकबरी मस्जिद, ये देखिए अकबरी मस्जिद। चलिए फिर बाहर की तरफ चलते हैं, आप लोग देख लीजिए। आइए माशाल्लाह फूल की दुकान, एक ये दुकान मेन गेट से अंदर होती है, दो फूल की दुकान आ जाता है, ये एक मेन गेट जहाँ पर पुलिस ड्यूटी में रहता है 24 घंटा, सब गेट में रहता है, और ये मेन गेट है बाहर से अंदर दाखिल होने का। तो आइए ये दरगाह बाजार की आज मंजर देखिए, आज ज़्यादा पब्लिक नहीं है, बिल्कुल भीड़ कम है, आप लोग देख सकते हो। आज हफ्ता वाला दिन है, यानी शनिचर है, सैटरडे है, आइए ये देखिए रेलवे स्टेशन से आने जाने का जो रास्ता है नाला बाजार, ये नाला बाजार की मंजर देख लीजिए आप लोग, और इधर देख लीजिए आप लोग ढाई दिन का झोपड़ा और तारागढ़ जाने वाला रास्ता की मंजर। और थोड़ा सा ये देख लीजिए दरगाह बाजार की मंजर आज कैसा है, आज का ब्लॉग मेरे दरगाह शरीफ के अंदर से है, इसलिए मैं दरगाह बाजार ज़्यादा लंबा नहीं दिखाएंगे, जो भी आपको थोड़ा वो दिखा देते हैं आप लोग देख लीजिए। ये देख लीजिए ये दरगाह बाजार की मंजर आप लोग देख लीजिए आज कितना पब्लिक यहाँ पर है। आइए यहाँ से कैमरा घुमा लेते हैं, ये देख लीजिए ये मेन गेट, इसी गेट से आपको आज बाहर लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हुजूर गरीब नवाज के हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।